हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी ब्लाउज का डिज़ाइन और बैकनेक बनाना। तो ये मैंने अस्तर और मेन कपड़े पे कटिंग और मार्किंग कर लिया है, तो मैं आपको मेजरमेंट समझा देती हूँ। तो ये जो ब्लाउज की लंबाई है वो है 13 इंच, डबल फोल्ड में इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की वो है 10 इंच की, और इसका जो गले का डीपनेस जिसे हम गहराई भी बोलते हैं वो है 3.5 इंच का, और इसका जो शोल्डर है वो है 7 इंच का, और इसका जो आर्म होल है वो है 5.5 इंच का, और इसका जो पीछे वाला गला है वो है 10 इंच का। तो अब हम नेक में 3 इंच में मार्किंग करेंगे। तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आपको नेक में डोरी या बटन लगाना हो तो आप 3 इंच पे ही मार्किंग करिए उसके लिए, नहीं तो वो हमारा ऊपर चढ़ जाता है। तो 3 इंच पे मार्किंग करके मैं इसे बोट नेक शेप दे दूँगी। उसके बाद नीचे जो भी हमारा गले का पैटर्न हो उसको हम बना लेंगे। तो जिस तरह से मेरा नेक पैटर्न है जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और सेम इसी तरह से बना लेना है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी साइज़ कम हो तो इतना गले को फैलाइए मत, मतलब कि इसके डिपनेस को ज़्यादा मत रखिए, नहीं तो वही हमारा गला उतरने लगता है, पीछे पूरा फैल जाता है। तो चौक को बिल्कुल दबा के लगाएंगे ताकि दोनों साइड हमारा निशान पड़ जाए। तो ये मैंने दोनों साइड निशान पड़ गया है, और इसको मेन कपड़े पर रख के मैं चारों तरफ से इसको पिनअप कर दूँगी। और जैसे जैसे हमारा नेक है वैसे वैसे हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो मेरा नेक है मैं स्पेशली जो नए लोग हैं उनके लिए बना रही हूँ, और ये बिना बुकरम का है। तो इस तरह से आप मार्किंग करके बनाइए, आपका नेक जैसे बनाएंगे वैसे बन जाएगा। तो ये मैंने नेक पे सिलाई लगा लिया है, अब हम नीचे सिलाई लगा देंगे। तो आप चाहें तो नीचे पट्टी भी अटैच कर सकते हैं तुरपाई वाला, लेकिन मैं इसको गले के साथ सीधा करूँगी, तो यहाँ मैं नीचे एक सिलाई लगा दूँगी। तो ये मैंने नीचे भी सिलाई लगा लिया है। अब हम जो बाद में पहले ही कटिंग करते थे जो हमारा नेक डिज़ाइन, वो अब हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग नेक बनाएंगे तो आपका नेक बहुत ही परफेक्ट बनेगा, अगर आप लोग नए हैं फिर भी। तो ऐसे ही बनाइए, तो सिलाई के बाहर आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ के हमको जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको काट के हटा देना है। तो ये मैंने काट दिया, अब इसमें हम छोटे छोटे ऐसे कट्स लगा लेंगे। तो कट्स का मैं यूज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि इससे हमारा फिनिशिंग के साथ जो नेक है वो सीधा हो जाता है। तो आपको छोटे छोटे कट ज़रूर लगाने हैं। पूरे नेक में हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब फिटिंग वाले साइड से ऐसे हम हाथ को लगाएंगे, और जो दूसरे वाले फिटिंग के साइड को उसके मेन कपड़े को ऐसे पकड़ के हम सीधा कर लेंगे। और देखिए बहुत ही ईजली ये हमारा जो नेक है वो सीधा हो जाएगा। तो इसमें जो दो नोक निकले हैं उनको पहले हम हाथ से ऐसे निकाल लेंगे, फिर हम कैंची की नोक की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमने हल्का हल्का हाथ से निकाल लिया है, अब जो बाकी है उसको हम ऐसे कैंची की नोक की मदद से निकाल लेंगे। तो एक मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, आपको दूसरा भी ऐसे ही निकाल लेना है। तो ये देखिए मैंने दोनों को निकाल लिया है। अब गले में और फिनिशिंग देने के लिए इस पर हम एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे, ताकि जो हमारा मेन कपड़ा और अस्तर है एक साथ बैठ जाए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोज़ डालूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये देखिए मैंने नेक पर फिनिशिंग की सिलाई लगा दी, और कितना उभर के ये हमारा नेक रेडी हुआ है। उसके बाद हम एक दूसरे कलर का कपड़ा ले लेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच होगी। तो इस कपड़े को ऐसे पहले हमको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है, फिर इसको एक बार और फोल्ड करना है, फिर ऐसे साइड साइड से फोल्ड कर लेना है। तो आपको एक दो बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेना है, फिर आप भी बना लेंगे। फिर आप इस पर एक सिलाई लगा के, कच्ची सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लीजिए, ताकि जब भी हम इसको नेक पे लगाएंगे तो बहुत ही ईजिली लग जाएगा, नहीं तो वो खुलने लगता है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट वहाँ भी लगा सकते हैं तो डायरेक्ट नेक पे ही लगाइए। तो ऐसे ही बहुत सारे आपको बना लेने हैं। अब हम इसको नेक पे लगाएंगे, तो नीचे हम लगाएंगे, पूरे में नहीं लगाएंगे। अगर आप लोग पूरे नेक में लगाना चाहते हैं तो पूरे नेक में लगा लीजिए, वो भी अच्छा लगेगा। तो नीचे आपको ऐसे लगाते जाना है। तो लगाते टाइम आपको ध्यान देना है कि जो हमारा ये हमने जो कलिया बनाई है इनका जो कॉर्नर है उसको बिल्कुल मिलाते हुए लगाना है, आगे पीछे नहीं करना है, नहीं तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल उनके कॉर्नर्स को मिला के ऐसे लगाते जाना है, और इसमें गैप बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप चाहें तो गैप भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इनको पास पास लगा रही हूँ। तो इसको हम नीचे से पूरे में लगा देंगे। इसको और फिनिशिंग देने के लिए इसमें हम लेस का यूज़ करेंगे। तो लेस को बिल्कुल हम ऊपर से और पूरे नेक में लगाएंगे। तो मैं यहाँ पतले लेस का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चौड़े लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी डिज़ाइन है वैसे वैसे हमको लेस को लगाते जाना है। तो अगर आपको सिलाई से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो मैं एक अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी चैनल का, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो ये मैंने पूरे नेक में लेस को लगा दिया है, और ये जो हमारा नेक है वो रेडी है। तो ये जो इसका जो दो नोक निकला है यहाँ पर, आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं या फिर डोरी भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लावर लगा दिया है, और ये नेक हमारा बिल्कुल रेडी है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएगा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।